देखिए, जहाँ तक चुनाव है उसका तो कुछ पता नहीं है कब होगा, मगर मेरा फर्ज है इस इलाके में भी आने का, यहाँ लोगों से बात करने का, लोगों की मुश्किलात को देखने का और उसको उभारने का पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि पार्लियामेंट मेंबर का एक फर्ज है कि वो गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि आजकल हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हैं, कि उनके सामने ये बातें लाएं कि हमारी हालत क्या है। जैसे बाकी स्टेट्स में चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव जो है उन घोषित नहीं किए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अब उनका इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि वो कब इलेक्शन करेंगे। अभी 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 जिस तरह से हालात है कश्मीर वैली में, हम देखते हैं कि आए रोज हाइब्रिड टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, कैसे देखते हैं पूरा जो सिनेरियो है कश्मीर वैली में, क्या आपको लगता है कि रेडिकलाइजेशन एक बार फिर हुई है? रेडिकलाइजेशन मैं नहीं मानता, इज नथिंग लाइक रेडिकलाइजेशन, वी आर फाइटिंग अ लो इंटेंसिटी वॉर, देयर इज नो अदर वे। तो क्या क्या लगता है आपको, क्या सोल्यूशन हो सकता है इस तरह की जो सिचुएशन है, जैसे आपने कहा कि एक वॉर जैसी सिचुएशन है, अब क्या लगता है क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इस बात का तो बहुत खुशी है कि हम लोग इस साल G20 के प्रेजिडेंटशिप इंडिया को मिली है, हो सकता है कि इसमें हिंदुस्तान पे बहुत बोझ है सारे इन कंट्रीज का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आज़म इसमें सक्सेसफुल होंगे कि ये जो यूक्रेन का वॉर हो रहा है इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि इसने हमारी हालत सारी दुनिया की ख़त्म कर दी, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बुरी हो रही हैं, और इसको ख़त्म करने के लिए G20 का मैं प्रेजिडेंटशिप लेना अच्छा होगा अगर हम इसको दूर कर सकें। दूसरा जो है, हमारे जो मुश्किलात हमारे नेबर के साथ हैं उसमें भी हो सकता है कि ये मुल्क जो है मिलके इसका कोई हल निकालेंगे और ये जो है ये ख़त्म हो जाएगी हमारी मुश्किलात हमारे वतन के। क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात पूरी करें? देखिए, मैं जब कहता हूँ कि पाकिस्तान से बातचीत करो तो आप जानते हैं कि होम मिनिस्टर कहते हैं हम बच्चों से बात करेंगे, उनसे नहीं बात करेंगे। लड़ाई तो उनसे है, लड़ाई तो बच्चों से थोड़ी है, और मैं जब कहता हूँ तो वो कहते हैं ये देशद्रोही है, तो इससे मैं अब थक गया ये कहते कहते बात करो, एक दिन तो करनी पड़ेगी इनको, वो कैसे करेंगे वो मैं नहीं जानता। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो इलेक्शन हो रहे हैं, क्या फारूक अब्दुल्ला प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन लड़ेंगे? कौन से प्रेसिडेंटशिप का? पार्टी प्रेसिडेंट। देखिए, वो तो अब वो जो अब नॉमिनेशन फिल होंगे उस वक्त पता लगेगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आप कर रहे हैं? किस चीज के लिए? वो आपको पता लगेगा उस दिन, चार तारीख को पता लगेगा।